हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू भौरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझा था। अब आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो फैक्टर है म्यूटेशन प्रेशर एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यूजुअली नेचुरल म्यूटेशंस अकर एंड डिस्टर्ब द जीन फ्रीक्वेंसी। नेचुरल म्यूटेशंस होते हैं और जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। सपोज ए कैपिटल बी जीन अंडरगोज म्यूटेशन टू फॉर्म ए स्मॉल बी जीन। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैपिटल बी जीन के अंदर म्यूटेशन होता है और वो कन्वर्ट, वो बनाता है स्मॉल बी जीन। नंबर ऑफ बी जीन्स विल डिक्रीज बाय वन एंड नंबर ऑफ बी जीन स्मॉल बी जीन विल इंक्रीज बाय वन। अब क्या होगा कि कैपिटल बी जीन की फ्रीक्वेंसी एक नंबर से कम हो जाएगी और स्मॉल बी जीन की फ्रीक्वेंसी एक नंबर से बढ़ जाएगी। इफ़ दिस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी जीन विल डिक्रीज कंसिडरेबली एंड दैट ऑफ स्मॉल बी जीन विल इंक्रीज। यदि ये कंटिन्यू होता है तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल बी जीन की तो कम होती चली जाएगी और स्मॉल बी जीन की इंक्रीज होती जाएगी। टेक्निकली इट इज सेड दैट म्यूटेशन प्रेशर इज वर्किंग अगेंस्ट कैपिटल बी जीन एंड इन फेवर ऑफ स्मॉल बी जीन। यदि टेक्निकल भाषा में या साइंटिफिक भाषा में देखें तो ये देखा गया है कि म्यूटेशन प्रेशर जो है वो कैपिटल बी जीन के तो अगेंस्ट में काम कर रहा है और स्मॉल बी जीन के फेवर में काम कर रहा है। नॉर्मली इन ए पॉपुलेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशंस अकर साइमल्टेनियसली। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं एक के बाद एक। सो नो अलील इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय म्यूटेशन प्रेशर। इसलिए ये मानते हैं कि कोई भी जीन या कोई भी अलील जो है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है किसी जीन के, उसको अलील बोलते हैं। और ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी जो है पूरी तरह कम्प्लीटली म्यूटेशन प्रेशर के द्वारा एलिमिनेट नहीं होते हैं पॉपुलेशन में से। However, the frequencies of forward and backward mutations are different. जबकि ये देखा गया है कि frequency forward और backward mutations की अलग अलग होती है। So an equilibrium is established by which the number of genes affected by forward and backward mutations will be same. इसलिए क्या है कि एक तरह का equilibrium या एक तरह का balance जो है बन जाता है number of B genes जो इफ़ेक्ट होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन से, वो करीब करीब दोनों है सेम हो जाते हैं। म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव, सो नेचुरल सेलेक्शन डज नॉट कोऑपरेट ऑन देम एज सून एज दे आर प्रोड्यूस्ड। म्यूटेशंस रिसेसिव होते हैं, इसलिए नेचुरल सेलेक्शन कभी भी कोऑपरेट नहीं करता जैसे ही जीन्स प्रोड्यूस होते हैं। रिसेसिव म्यूटेशंस विल कॉज हेटरोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी जो है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है यदि म्यूटेशंस रिसेसिव है तो, बट आफ्टर ए फ्यू जेनरेशंस होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विल बी फॉर्म्ड। पर थोड़ी जेनरेशन के बाद में होमोजाइगस इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओनली देन नेचुरल सेलेक्शन विल ऑपरेट इन फेवर और अगेंस्ट इट। और उसके बाद ही नेचुरल सेलेक्शन या तो फेवर में या अगेंस्ट में काम करेगा जब होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सम म्यूटेशंस मे बी डोमिनेंट बट दे इन्फ्लुएंस ए मेजर ट्रेट सडनली। कुछ म्यूटेशंस डोमिनेंट होते हैं और वो कोई भी कैरेक्टर को एकदम से इन्फ्लुएंस करते हैं, दस डिस्टर्बिंग द एनिमल्स एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। और इसलिए क्या है कि एनिमल का जो एडजस्टमेंट होता है एनवायरनमेंट के साथ में, वो डिस्टर्ब हो जाता है और इमीडिएट डेथ होनी शुरू हो जाती है।
सो मोस्टली बिग डोमिनेंट म्यूटेशंस आर लीथल. इसलिए बड़े जो म्यूटेशंस होते हैं वो तो लीथल होते हैं क्योंकि डेथ होनी शुरू हो जाती है. एंड इवोल्यूशन इज़ एन एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल रिसेसिव म्यूटेशन. और इसलिए इवोल्यूशन क्या है, छोटे छोटे रिसेसिव म्यूटेशंस हो उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है नॉन रेंडम मेटिंग. वन ऑफ द कंडीशंस लेड डाउन बाय हार्डी वाइनबर्ग टू मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज रैंडम मेटिंग. एक कैरेक्टर ये भी है, एक फैक्टर ये भी है रैंडम मेटिंग का, और उससे जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है, ऐसा हार्डी वाइनबर्ग लॉ में बताया गया है. हार्डी वाइनबर्ग साइंटिस्ट ने बताया था, इफ प्रिफरेंशियल और नॉन रैंडम मेटिंग अकर्स इंस्टेंट ऑफ रैंडम मेटिंग जीन फ्रीक्वेंसी विल चेंज. यदि प्रिफरेंशियल या नॉन रैंडम मेटिंग होती है और रैंडम मेटिंग की बजाय, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. टू इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग ऑन जीन फ्रीक्वेंसी, लेट अस कंसिडर ए जीन कैपिटल ए एंड इट्स अलील स्मॉल ए. ये हम जो है इस एग्जांपल से बता रहे हैं कि नॉन रैंडम मेटिंग का इफेक्ट क्या होता है जीन फ्रीक्वेंसी पर. जैसे दो हमने एक जीन लिया कैपिटल ए और उसका अलील है स्मॉल ए. थ्री जीनोटाइप्स हैव द परसेंटेज, तीन जीनोटाइप्स की परसेंटेज है कैपिटल ए की 36%, कैपिटल ए स्मॉल ए की 48% और स्मॉल ए की 16%. इट इज़ सपोज फर्दर दैट कैपिटल ए इन होमोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूसेज ए इफेक्ट बाय विच 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल्स डाई बिफोर बिकमिंग सेक्शुअली मैच्योर और बिकम स्टेराइल. अब इसमें क्या होता है कि कैपिटल ए जो होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब कैपिटल ए इस कंडीशन के अंदर जो है ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि 1/3 इंडिविजुअल्स मर जाते हैं सेक्सुअली मैच्योर होने के पहले ही, या फिर वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो वो जनरेशन या पॉपुलेशन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर ही नहीं हुए हैं और या फिर स्टेराइल हो गए हैं. एविडेंटली दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, और इसलिए वो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं. सो इन कमिंग जनरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए जीन विल डिक्रीज, और इसलिए कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और स्मॉल ए जीन विल इंक्रीज एज कैलकुलेटेड बिलो, और स्मॉल ए जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. और ये सारा कैलकुलेशन से बताया गया है. अब देखिए आप, कैपिटल ए 36% है बर्थ में, कैपिटल ए स्मॉल ए 48% है और स्मॉल ए 16% है. सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे ये 36% जो है कैपिटल ए की वो 24 रह जाती है और कैपिटल ए स्मॉल ए की 48% रह जाती है परसेंटेज, और स्मॉल ए की 16 है, क्योंकि इनके कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे कैपिटल ए जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें 1/3 इंडिविजुअल्स मर जाते हैं या सेक्सुअली मैच्योर नहीं होते या स्टेराइल हो जाते हैं. अब इनके गैमिट्स बनेंगे तो देखिए, कैपिटल ए टाइप जो है उसके गैमिट्स है 27.3 प्लस 27.3 मींस 54.6% है, और स्मॉल ए की 27.3 प्लस 18.1 तो इसकी परसेंटेज है 45.4. अब ये फॉर्मूला है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर. इससे ये कैलकुलेशन करते हैं तो कैपिटल ए की परसेंटेज आती है 29.8, कैपिटल ए स्मॉल की आती है 49.5% और स्मॉल ए की परसेंटेज आती है 20.7 एट द बर्थ. और सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे ये कैपिटल ए की हो जाती है 19.8 और
कैपिटल ए स्मॉल ए की हो जाती है 49.5 और स्मॉल ए की हो जाती है 20.7। उसके बाद में इनकी परसेंटेज कैपिटल ए की 22% और कैपिटल ए स्मॉल ए की 55%, स्मॉल ए की 25%। अब गैमिट्स जो बने कैपिटल ए टाइप के 22 प्लस 27.5 तो 49.5% हो गई, और ए टाइप की स्मॉल ए टाइप की 27.5 प्लस 23 तो टोटल हो गई 50.5%। दिस मीन्स दैट नेचुरल सेलेक्शन इज वर्किंग अगेंस्ट कैपिटल ए जीन बट इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ ए स्मॉल ए जीन। तो इस पूरे कैलकुलेशन से एग्जाम्पल से पता लगता है कि नेचुरल सेलेक्शन कैपिटल ए जीन के तो अगेंस्ट में काम कर रहा है और स्मॉल ए जीन के फेवर में काम कर रहा है, और ये चेंज जो है वो कहलाता है इवोल्यूशनरी चेंज। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है पॉपुलेशन साइज। जेनेटिक प्रिंसिपल्स आर स्टैटिस्टिकल एंड आर कंट्रोल्ड बाय प्रोबेबिलिटी। जेनेटिक्स जो है वो एक प्रिंसिपल है जो इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो प्रोबेबिलिटी से कंट्रोल होता है। एनीथिंग कंट्रोल्ड बाय प्रोबेबिलिटी होल्ड्स गुड ओनली इफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड। कोई भी चीज़ जो प्रोबेबिलिटी से कंट्रोल होती है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, यदि होता है तो उसकी कितनी परसेंटेज चांसेस हैं कि होगा, और जो नहीं होगा तो उसके भी कितने चांसेस हैं कि नहीं होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और ये हमेशा जब लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं तभी ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में होगी या नहीं होगी। इट इज़ टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चांस। ये केवल चांस के इफेक्ट को हटाना होता है इसमें से। सो इन स्मॉल पॉपुलेशंस जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज बाय चांस। तो छोटे पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो बाय चांस चेंज हो जाएगी और नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होगी। चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस हैव बीन कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्रीक्वेंसी जब चांस की चेंज होगी या नहीं होगी, ये चांस वर्ड जो है ये चांस से यदि चेंज हो रही है जीन फ्रीक्वेंसी देन इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये साइंटिस्ट था सीवल राइट जिसने ये बताया था 1931 में कि जीन फ्रीक्वेंसी चांस से ही चेंज होती है और इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए, जनरली इट इज सेड दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन एज ए फोर्स ऑफ इवोल्यूशन वेयर इज इन द लार्जर पॉपुलेशन द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज सेड टू बी नेचुरल सेलेक्शन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है जनरली स्मॉल पॉपुलेशन में इवोल्यूशन से होता है। फोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और बड़ी पॉपुलेशन के अंदर लार्ज पॉपुलेशन में फोर्स ऑफ इवोल्यूशन है नेचुरल सेलेक्शन। तो स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा चेंज होती है या इवोल्यूशन होता है, और बड़ी लार्जर पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सेलेक्शन से फोर्स ऑफ इवोल्यूशन काम करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो ऑपरेट्स इन बिगर पॉपुलेशन। पर ये देखा गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बड़ी पॉपुलेशन में भी ऑपरेट करता है। सिंस यूजुअली बिगर पॉपुलेशंस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रीडिंग ग्रुप्स। ऐसा मानते हैं कि बड़ी पॉपुलेशन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ब्रीडिंग ग्रुप्स के, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट उनमें भी काम करती है। मोर ओवर एनिमल्स यूजुअली हैव होम रेंजेस विद इन विच दे रेस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज। इसलिए ये कहते हैं कि एनिमल्स हमेशा अपनी होम रेंज के अंदर रहता है और वहीं पर अपनी एक्टिविटीज़ करता है। इन दिस वे बिगर पॉपुलेशन आर नॉट फ्री फ्रॉम जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसलिए ये मानते हैं साइंटिस्ट कि बड़ी पॉपुलेशन भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से अछूती नहीं है या फ्री नहीं है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करती ही है एज इवोल्यूशन, और बड़ी पॉपुलेशन में भी इवोल्यूशन
के तौर पे काम करती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। देयर आर सर्टेन स्पीशीज विच हैव वेरी थिन पॉपुलेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ पॉपुलेशन है जिनमें पूरे साल में कोई एक पीरियड होता है, उस समय पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर कुछ प्राणी ही रह जाते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। ओनली ए फ्यू सर्वाइव, मोस्ट ऑफ देम डाई। कुछ ही उसमें से पॉपुलेशन में से सर्वाइव करते हैं, ज़्यादातर प्राणी उस पीरियड में मर जाते हैं एनिमल्स। द नेक्स्ट जनरेशन डेवलप्स फ्रॉम सर्वाइवर्स। जो सर्वाइव करते हैं प्राणी उस पॉपुलेशन में, नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं से डेवलप होती है। द जीन पूल ऑफ विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। और जीन पूल फर्स्ट जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। दिस मीन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट विल कम इन प्ले एंड जीन फ्रीक्वेंसीज विल चेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेलेक्शन वैल्यू। ऐसा कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगी थोड़ी जेनरेशन के बाद में, और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि नेचुरल सिलेक्शन, या डिपेंडेंट नहीं होता नेचुरल सिलेक्शन पर कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी। दस म्यूटेशंस, नॉन रैंडम मेटिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, बड़ी पॉपुलेशन हो या लार्ज पॉपुलेशन, इन लार्जर एंड स्मॉलर पॉपुलेशन बोथ ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम टू ब्रिंग अबाउट एन इवोल्यूशनरी चेंज। तो ये फैक्टर्स हैं म्यूटेशंस, नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों पॉपुलेशन में काम करती है, स्मॉलर और बड़ी पॉपुलेशन में, और चेंज जीन फ्रीक्वेंसी में। चेंज जब भी होता है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं और इवोल्यूशन होता है। और यही हमारी टॉपिक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके साथ ही आज मेरी ये पूरी टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।